नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक खूबसूरत सा बेबी स्वेटर लाया हूँ जो 0 से 3 मंथ के बेबी को आराम से आ जाएगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें अलग से आस्तीन और गले पे बॉर्डर अलग से बनाना नहीं पड़ता है। ये स्वेटर के साथ साथ ही बनके तैयार हो जाता है, तो इसे बनाने में समय भी बहुत कम लगता है और ये बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्वेटर बनाते हैं। सबसे पहले हम 10 नंबर की सिलाई लेंगे और उनको ट्रिपल फोल्ड करेंगे। ये सिंगल है, ये डबल हुआ और ये ट्रिपल फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड वाले हिस्से को हम दाहिने हाथ में और जो सिंगल हिस्सा है ये ऊन है उसको बाएं हाथ में रखेंगे और ये जो लूप जैसा बना है उसमें हम सिलाई को ऐसे डाल देंगे। अब देखिए, ये जो हमारा हिस्सा है ये हमारा सिलाई के बाहर है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लपेटेंगे, एक लूप बनाएंगे। देखिए, ऐसे लूप बनाया, इस लूप को सिलाई के अंदर ऐसे डाला और ये सिंगल धागे को सिलाई पर रैप कर दिया। इसको ऐसे पलटेंगे, ये हमारा फंदा पड़ना शुरू हो गया। अब ऊन के नीचे ऐसे अंगूठे को लगाएंगे और खुले हिस्से को सिलाई पे। सिंगल धागे को सिलाई पे लपेटेंगे और इसको ऐसे पलट देंगे। ये हमारे डिजाइनर फंदे बनने शुरू हो गए। एक बार कुंडी से ऐसे करेंगे और दूसरे बार अंगूठा ऐसे नीचे लाके और दूसरे हिस्से को सिलाई के ऊपर रखें और अब इसको ऐसे चढ़ाएंगे और यूं बाहर निकाल देंगे। ये हमारे फंदे पड़ने शुरू हो गए। ये पहला फंदा हमारा ये पड़ गया है। अब ये हमारा पहला फंदा हो जाएगा। अब ऐसे ऊन को पकड़ेंगे दाहिने हाथ से और उंगली को ऐसे नीचे ले जाकर एक लूप बनाएंगे, ऐसे घुमा देंगे। ये देखिए, एक लूप बन गया। इसे हम इसके अंदर हम सिलाई को ऐसे डालेंगे, बाएं सिलाई को ऐसे दूसरे हिस्से को ऐसे इस पर चढ़ाएंगे और इसको वापस ऐसे पलट देंगे। ये एक फंदा बन गया। अब अंगूठे को ऊन के नीचे लाएंगे और जो दूसरा हिस्सा है, खुला हिस्सा है, उसे सिलाई के ऊपर ऐसे रखेंगे और अब बाएं हाथ के धागे को सिलाई पर ऐसे लपेटेंगे और इसको ऐसे पलट देंगे। देखिए, ये हमारा डिजाइन फंदा बनना शुरू हो गया है। एक बार उंगली से और दूसरी बार अंगूठा नीचे रख के। एक बार उंगली से ऐसे और दूसरी बार अंगूठा नीचे रख के और तब तो इस तरह हम टोटल 59 फंदे डालेंगे। फ्रेंड, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, शेष सभी फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। हम सीधी साइड में है, सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। और लास्ट फंदा एज स्टिच है, उसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। सामने की तरफ से हम सभी फंदे उल्टे बुनेंगे, पहले और आखिरी फंदे को सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो इस तरह हम कुल 6 लाइन बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 लाइन कंप्लीट हो गया है। 3 उल्टे फंदों की धारियां सामने से और 3 पीछे से आ गई हैं। अब हम 9 नंबर की सिलाई लेंगे
और 9 नंबर की सिलाई से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, तो ये टोटल 4 फंदे हो गए। अब उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर अगले फंदे को स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 3 फंदा सीधा, फिर एक उल्टा, नेक्स्ट स्लिप करेंगे, फिर उल्टा। तो इन्हीं 6 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में 4 फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में है और ये है हमारा दूसरा लाइन, बॉर्डर के बाद ये दूसरा लाइन है। तो 4 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर, नेक्स्ट फंदा सीधा, उन अपनी ओर अगले फंदे को स्लिप करेंगे। ये देखिए हमने सामने की तरफ से स्लिप किया था, उसे हम रॉन्ग साइड से भी स्लिप करेंगे। अगला फंदा सीधा है, उसे सीधा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हें 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 3 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर स्लिप करेंगे, फिर सीधा। तो इन्हें 6 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में 4 फंदा बचेगा जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमारा ये दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। तीसरी लाइन में हम अपने पहले लाइन को और चौथी लाइन में हम अपने दूसरे लाइन को दोहराएंगे। पांचवी लाइन और सामने से अब हम डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुने गए हैं, तो यहाँ पे हम पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे और तीसरे फंदे को वापस उल्टा बुनेंगे। यानी यहाँ जो डिजाइन बना था अब वो इन 3 सीधे फंदों पे बन जाएगा। उन दूसरी ओर करेंगे और यहाँ पे हमारे 3 फंदे सीधे हो जाएंगे, 1, 2 और 3। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उन अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, फिर उल्टा और अगले 3 फंदे सीधे। तो इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सातवीं लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब देखिए सातवीं लाइन में हम अपने पांचवें लाइन को दोहराएंगे, यानी उन अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर अगले फंदे को स्लिप करना है, उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा और फिर 3 फंदे सीधे। रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे, सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो 8 लाइन का ये डिजाइन है और इन्हीं 8 लाइनों को हमें दोहराते हुए लंबाई कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं 8 लाइनों को दोहराते हुए हमने इतना बुन लिया है। इस समय अगर इंच में नापे तो हम इसकी लंबाई लगभग 5.5 इंच के लगभग 5.5 इंच है और सेंटीमीटर में नापे तो लगभग 14 सेंटीमीटर के आसपास है। तो इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और 7 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो गए टोटल 8 फंदे। अब उन दूसरी ओर करेंगे और हम जो हमारा पैटर्न है डिजाइन का उसे ही हम कायम रखेंगे। मैं ये डिजाइन अपने चैनल पे पहले ही डाल चुकी हूँ। मैं उसका लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वहां से देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बीच के डिजाइन बनाते हुए हमने सभी फंदे बुन लिए हैं। अब लास्ट में आठ फंदे बचे हैं, तो उन अपनी ओर करेंगे। सात फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब रॉन्ग साइड से आठ फंदे उल्टे, और फिर अब यहां से हमारा डिजाइन शुरू हो जाता है। तो हमें दो फंदे और उल्टे बुनने हैं, यानी अब 10 फंदे उल्टे हो गए। फिर एक फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करना है, अगले फंदे को सीधा, यानी जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा, जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा, और स्लिप जिस फंदे को स्लिप करना है उसे हम स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फिर राइट साइड में आ गए, तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, सात फंदा उल्टा, और फिर डिजाइन के ऊपर डिजाइन बनाते हुए जैसा कि हमारा डिजाइन पड़ रहा है वैसा बनाते हुए हम बीच के सभी फंदे बुन लेंगे और साइड के आठ फंदों को उल्टा बुनेंगे, यानी सात फंदों को उल्टा बुनेंगे और एज स्टिच को सीधा। तो जैसे हमारा यहाँ एक धारी आया है वैसे ही हमारा तीन धारी आ जाना चाहिए। तो तीन धारी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तीन उल्टे फंदों की धारियां हमारी देखिए दोनों तरफ से बन गई हैं, और बीच के डिजाइन जो है वो अपना ज्यों का त्यों चलता रहेगा। अब क्या करेंगे कि पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे, और पीछे वाला फंदा इसके ऊपर हम ऐसे चढ़ा देंगे। एक फंदा घट गया, ये दूसरा फंदा घट गया, और ये तीसरा फंदा घट गया। तो तीन फंदे हम घटा लेंगे, शेष फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारे पांच फंदे हो गए। बीच के डिजाइन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं। तो जैसे हमने तीन फंदे इस साइड घटाए थे वैसे ही तीन फंदे इस साइड भी घटाएंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ाएंगे। एक, दो और तीन, तीन फंदे हमने घटा दिए, और शेष फंदों को जहां उल्टा है वहां उल्टा, जहां सीधा है वहां सीधा, और जहां स्लिप करना है वहां पे स्लिप करते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों तरफ मुड्ढे कट गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे दो ये आठ डिजाइन पूरे हो गए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, और इससे गिने तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। तो और लंबाई है इस समय अठारह सेंटीमीटर, और अगर इंच में गिने तो, इंच में नापे तो लगभग सात इंच। इतनी हमारी लंबाई पूरी हो गई है। तो अब क्या करेंगे,
पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर चार फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार, तो ये पांच फंदे हो गए। अब उनको दूसरी ओर करेंगे और आठ फंदे में डिजाइन बनाएंगे, एक दो तीन चार चार पांच छः सात आठ, आठ फंदे में हमने डिजाइन बना लिया। अब 27 फंदे उल्टा बुनेंगे, तो 27 फंदे हमने उल्टा बुन लिए। अब देखिए ये दूसरी तरफ 13 फंदे बचे हुए हैं, तो 8 फंदे में डिजाइन पड़ेगा। आठ फंदे में हमने डिजाइन डाल दिया और फिर ये पांच फंदे में चार फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा हो जाएगा। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो सात फंदा उल्टा, दो तीन चार पांच छः और सात, सात फंदा उल्टा हो गया। फिर आठ फंदे का डिजाइन सीधा, फिर स्लिप करेंगे, फिर सीधा, फिर तीन फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा और बीच के 27 फंदे उल्टे। अब 13 फंदे बचे हैं, तो 8 फंदों में डिजाइन बनेगा। एक दो फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर स्लिप करेंगे, फिर सीधा स्लिप सीधा, फिर दो फंदा उल्टा, ये 8 फंदे हो गए। और फिर 5 फंदे साइड के आस्तीन पर के 5 फंदे उल्टे। अब हम फिर रॉन्ग साइड, फिर राइट साइड में आ गए, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, बॉर्डर के 5 फंदे उल्टे, बॉर्डर के 5 फंदे हो गए। अब उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर एक फंदा उल्टा, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे सीधे, फिर बीच के 27 फंदे उल्टे। तो ये देखिए ये दूसरे उल्टे फंदों की धारी पड़ गई है, ये दूसरे उल्टे फंदों की धारी बन रही है। तो हम तीन तीन धारी बना लेंगे, सामने से भी और पीछे से भी। ये हम गले के लिए बॉर्डर बना रहे हैं, ये हमारे आस्तीन का बॉर्डर है और ये गले का बॉर्डर बन रहा है। तो तीन तीन उल्टे फंदों की धारी दोनों तरफ से आ जाए, तो इतना कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये तीन उल्टे फंदों की धारियां कंप्लीट हो गई हैं, सामने से भी और पीछे से भी। और ये हमने 13 फंदे बुन लिए हैं, 5 फंदे बॉर्डर के, 8 फंदे डिजाइन के। अब हम 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे, एक दो तीन चार तीन तीन छः नौ बारह पंद्रह सोलह सत्रह और ये 18 फंदे हमारे
कंधे पर के हो गए। पांच पांच फंदे दोनों साइड के बॉर्डर के और आठ फंदे बीच के। अब हम 17 फंदे घटा देंगे, दो फंदे उल्टा बुनेंगे, एक दो, और पीछे वाला फंदा उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे। तो हम पीछे एक एक फंदा उल्टा बुनते जाएंगे, पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे, तो हम 17 फंदे घटा देंगे। ये हमारे आस्तीन के ये हमारे गले के फंदे हो जाएंगे। तो 17 फंदे घटा के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड में 17 फंदे हैं और एक फंदा दाहिनी सिलाई पे, यानी 18 फंदा, और ये बीच में 17 फंदे गले पे घट गए हैं। तो दोनों कंधे पे हमारे 18-18 फंदे रह गए हैं। साइड साइड में पांच पांच फंदे बॉर्डर के और बीच में 8 फंदे डिजाइन के। तो पांच फंदे बॉर्डर के ये उल्टे बुने जाएंगे और डिजाइन के फंदे यहाँ पे 8 फंदों में हमारा डिजाइन पड़ेगा। और फिर साइड में 5 फंदे हैं तो इनमें हमारा बॉर्डर बनेगा। ये देखिए हमारा ये ऐसे कंप्लीट हो रहा है। अब हम इन्हीं फंदों को आगे बढ़ाते हुए 4 इंच तक का आस्तीन कंप्लीट कर लूंगी। तो 4 इंच कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 4 इंच का आस्तीन कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारा देखिए पोर्शन बनके तैयार है। और ऐसा ही एक और पोर्शन हमने बैक के लिए बना लिया है। देखिए दोनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे कि दोनों के फ्रंट पार्ट हम ऐसे आमने सामने रखेंगे, दोनों के सीधे पार्ट जो है वो एक दूसरे की ओर होने चाहिए, और इसको ऐसे रख के और अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। इन दोनों कंधों को हम जोड़ देंगे। अब दोनों पल्लों से एक एक फंदे हम लेते जाएंगे। दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लिया, दोनों को एक साथ लेके उल्टा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट एक एक फंदे हम दोनों सिलाइयों से लेंगे और उन्हें उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे। फिर दोनों सिलाइयों से एक एक फंदे लेंगे, उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे। तो इसी तरह करके हम सारे फंदे घटा देंगे, बाइंड ऑफ कर देंगे। दोनों सिलाइयों से एक एक फंदे लेंगे, उल्टा बुनेंगे, एक साथ लेके उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे। हमारे देखिए ये दोनों पल्ले आपस में जुड़ना शुरू हो गया है। तो इसी तरह करके हम सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो मैं करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक कंधे को जोड़ लिया, अब इसी तरह हम दूसरे कंधे को भी जोड़ देंगे। दोनों पल्लों से एक एक फंदे लेंगे और उल्टा बुनते हुए दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुन लेंगे।
नेक्स्ट एक एक फंदे लेंगे, या दूसरे, या हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों सिलाइयों से एक एक फंदे हम तीसरे सिलाई पे ऐसे ले लें, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदे हम तीसरे सिलाई पे उतार लें। अब देखिए फंदे दो दो के पेयर में आ गए हैं। अब एक साथ दो दो फंदे को हम लेते जाएं, उल्टा बुनते जाएं, पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ाते जाएं। इस तरह घटाने में बहुत आसानी हो जाती है और फंदे गिरने का डर भी नहीं रहता है। तो इस तरह हम सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों तरफ के कंधे आपस में जोड़ दिए और स्वेटर कुछ इस तरह बन के तैयार हुआ है। अब हमें बस साइड में सिलाई करनी है। और देखिए इस तरह बनाने से हमें अलग से आस्तीन पे और गले पे बॉर्डर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें कम, और हमारा स्वेटर तैयार हो गया। अब हमें बस इसकी सिलाई करनी है दोनों साइड से। तो हम सुई में धागा डाल लेंगे, सीधे साइड को अंदर की तरफ कर लेंगे और दोनों पल्लों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगाएंगे, और ये जो हमारे सीधे फंदों की लाइन गई है उसको हम उसी में सुई डाल के हम सिलना शुरू करेंगे। सबके सिलने के अपने अपने तरीके होते हैं, आप चाहे तो कैसे भी सिलाई कर सकते हैं। तो इसी तरह हम दूसरे साइड भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, स्वेटर बनके तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।